क्या आप IRCTC एप्लीकेशन का पासवर्ड भूल चुके हैं? इसके लिए मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप IRCTC का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना उधर ID और यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है, आपको तो मालूम होगा आपका पासवर्ड सही है, आप सही लिख रहे हैं फिर भी आपका IRCTC एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी दिक्कतें सभी के साथ आते हैं, तो इस तरह से आप क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से प्लीज़ इंटर वैलेट उधर पासवर्ड लिख के आता होगा, उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। अब किस तरह से आपको पासवर्ड चेंज करना है इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे, पूरा वीडियो देखें, अगर वीडियो को आप गैप करके देखेंगे तो आप बाद में बोलेंगे कि वीडियो आपने सही से नहीं बताया, आपको वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, आप पासवर्ड नहीं चेंज कर पाएंगे। इसलिए आपको बताएंगे दोस्तों कि आप पूरी वीडियो देखें और अच्छी तरह देख के आप एक पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि आप एक पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फिर से, तो भाइयों सबसे पहले हमें IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है लॉगिन, तो लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आप उधर ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन होते हैं उस जगह पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर, तो आपको रजिस्टर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करके आप कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप पासपोर्ट एक नया उधर ID नया करेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने को ओके करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ फॉरगेट का ऑप्शन दिख रहा है, फॉरगेट अकाउंट डिटेल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप पासपोर्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ईमेल ID, IRCTC उधर ID, नाम और ईमेल ID, मोबाइल नंबर, इतना चीज़ भी डाल के आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उधर ID डालने के बाद हमें कैप्चर भर देना है, कैप्चर भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आपको दिख रहा है रेड कलर में लिखा हुआ, वो सबसे नीचे है, दोनों चीज़ भर लेना, उधर ID और कैप्चर भरने के बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो भाई उसके बाद आपके जीमेल और मोबाइल नंबर पे मैसेज पहुँच चुका है, उस कोड को आपको लिख लेना है, चाहे जीमेल का चाहे मोबाइल का एक ही कोड लगेगा, आपको यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दिया है, जो आप भूल गए हैं तो यहाँ पे पासवर्ड किस तरह बनाना है आप देख भी सकते हैं, और यहाँ पे कैप्चर दिया, कैप्चर भर के सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो देखिए आपका पासवर्ड इस तरह से सक्सेसफुल बन चुका है, आप इस तरह से एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।